नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में चाचा भतीजा टेरेस गार्डन में। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि गर्मियों में अपने पौधों की देखभाल कैसे करें। आपको याद होगा हमारा एक पिछला वीडियो था जिसमें हमने आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना सिखाया था, तो गोबर की खाद से या उपले से आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हुए हमें देखा था। आपने भी बनाया होगा हम आशा करते हैं, और हमने वो लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ भी कैसे करना है ये भी आपको बताया था। तो जब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने जो वो यूज़ कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद जो हमारा बचा है उसमें गोबर गोबर की खाद हमने खाद से बनाया था, आप उपले से भी उसको बना सकते थे। तो जो लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद जो हमारा खाद बची वो सूखने के बाद देखिए मित्रों ऐसी दिख रही थी। इसमें से जब हमने सारा पानी निकाल लिया था, इसको इस्तेमाल कर लिया था। ये भी एक बेहतरीन खाद है जिसको आप गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि इसमें ये पहले से ही गोबर की खाद 2 साल पुरानी थी, हमने इसमें पानी डाल करके 1 हफ्ते तक छोड़ा था। उसके बाद 4 मतलब 5 दिन या 1 हफ्ते हमने उसमें 2 बार पानी डाल करके इस्तेमाल किया, और उसके बाद भी हमने इसको 1 हफ्ते तक छोड़ा है। 1 हफ्ते के बाद ये लगभग सूख गई है, और सूख करके ये एक बेहतरीन खाद के रूप में हमें मिली है, तैयार है, और इसको हम अपने पौधों में डालेंगे। इसकी गर्मी ऐसे भी निकल चुकी है, 2 साल से ये गोबर की खाद तैयार होने में समय लगा था, 1.5-2 साल वो तैयार होने में इसकी गर्मी निकली, फिर हमने इसे पानी डाल करके इसका इस्तेमाल कर लिया। अब ये जो खाद बची है इसको हम अभी भी डाल सकते हैं गर्मियों में। वैसे आपके अपने पौधों में डायरेक्ट ऐसी खाद नहीं डालनी चाहिए जिससे कि आपके पौधे जल जाएँ। ये खाद जो है हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी इसकी गर्मी निकल चुकी है, हमने इसमें पानी डाल के भी इस्तेमाल कर लिया लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में। अब जो ये प्रोडक्ट बचा है इसको भी फेंकना नहीं है, इसको भी हम अपने पौधों में डाल करके इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए ये पूर्ण रूप से तैयार है, आप इसका कलर भी देखिए, एकदम डार्क ब्राउन ब्लैकिश कलर में है, ये एकदम डार्किश ब्राउन जो हल्का फुल्का ब्लैक दिख रहा है। देखिए भतीजा इसको पीस भी रहा है, क्रश कर रहा है ताकि ये और महीन हो जाए। और इसको अगर आप अपने पौधों में डालेंगे, और जब भी डालें, शाम के समय डालें या सुबह के समय डालें, हम अभी डाल रहे हैं, ये शाम का समय है, तो अगर थोड़ी बहुत गर्मी होगी भी तो हमारे पौधों में हम अभी डालेंगे, इसके बाद वाटरिंग करेंगे, पूरी रात मिलेगी इसको ठंडा होने के लिए, और ये आपके पौधों को नुकसान नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है, हमारा 12 इंच का गमला हम आपको डाल के दिखाएंगे कि कितनी मात्रा में हमें इसको डालना है। तो पहले आपको करना क्या है, देखिए हम पौधों की कुड़ाई कर लें, पौधों की कुड़ाई करने के बाद थोड़ी सी मिट्टी निकाल लें। अगर आपके पौधों में ज़्यादा मिट्टी होती है तो उसको थोड़ी सी मिट्टी निकाल लें। मिट्टी निकालने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पौधों हमेशा गमले को आप पूरा मिट्टी से या खाद से ना भरें, आपको हमेशा अपने गमले को ऊपर से 2 से 3 इंच खाली रखना है जिससे कि उसमें पानी स्टोर हो सके, जब आप पानी डालें तो वो पानी स्टोर हो सके। क्योंकि अगर जितनी पौधों में ऊपर से कम जगह होगी आप पानी डालेंगे तो वो कम पानी लेगा और नीचे तक पानी पहुंचेगा नहीं, तो आपको 2 या 3 बार नीचे तक पानी पहुंचाने के लिए पानी डालना होगा। और इस तरह अगर आप 2-3 इंच ऊपर से खाली रखते हैं तो आप प्रॉपर मात्रा में पानी डाल पाएंगे पौधों में, और पौधों में पानी जो है वो अच्छे से नीचे जड़ों तक पहुँचेगा। तो देखिए इसको हमने कुड़ाई कर ली थी, कुड़ाई करने के बाद हम इसमें लगभग 100 ग्राम के आसपास ये जली हुई गोबर की खाद इसमें हम डाल देंगे, और डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिला देंगे, ऊपर नीचे करके मिला देंगे फिर से, मतलब कुड़ाई टाइप के कर देंगे ताकि ये नीचे मिट्टी तक में मिल जाए। ये देखिए ये हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो अभी हम इनमें डाल रहे हैं, अभी हम आपको अपने फ्रूटिंग प्लांट में भी सब्जियों में भी थोड़ा बहुत डाल के दिखाएंगे इसको, और इसको अच्छे से कुड़ाई कर दें ताकि ये नीचे तक मिल जाए। कुड़ाई करने से एक फ़ायदा और होता है मित्रों कि जब आप कुड़ाई करते हैं तो एयर का सर्कुलेशन पौधों की जड़ों तक होता है, और पौधे को प्रॉपर मात्रा में एयर मिलती है, वो एयर सर्कुलेशन जड़ों तक लेता है और अच्छे से ऑक्सीजन मिलती है और पौधा ग्रोथ अच्छा करता है। तो जो आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था उसमें जो आपका गोबर बचा है पानी निकालने के बाद वो भी वेस्ट नहीं जाएगा, आप हर चीज़ का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये भी पौधों के लिए बहुत ही अच्छी खाद के रूप में इस्तेमाल होगा। और देखिए जी ये पूरा मिला दिया गया है, मिलाने के बाद इसको बराबर कर लें, ऊपर से हम इसमें थोड़ी सी मिट्टी का छिड़काव कर देंगे, और फिर इसको चारों तरफ से गोल गोल बैठा देंगे
देखिए हमने अपने गमलों को 1 से 2 इंच ऊपर से खाली छोड़ा है ताकि हमारा पानी की कैपेसिटी इसमें पौधों में बनी रहे हर गमले में। तो ये देखिए हमने इस गमले में अपना खाद डाल दिया है और उसको हमने ऊपर थोड़ा सा मिट्टी से कवर कर दिया है। तो ऐसे आप भी मित्रों अगर आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है और आपका ये गोबर या उपले जो गले हुए थे वो बचे हुए हैं तो उसका भी आप इस्तेमाल करिए, उनको भी अपने पौधों में डालिए और बेहतरीन खाद के रूप में, ऑर्गेनिक खाद के रूप में ये आपके काम आएंगे। ये देखिए हमने 1, 2 और ये 3 गमलों में कर दिया, बाकी में भी हम करके दिखाएंगे आपको और सब्जियों में भी डाल के दिखाएंगे। जो हमारी लौकी और मतलब लौकी घिया कह लीजिए आप या फिर तोरी जो हमारी तैयार हो रही है उसमें भी हम आपको डाल के दिखाएंगे, उसमें भी डालेंगे। तो उस समय, इस समय हमारी लौकी में फ्रूटिंग हो रहा है तो फ्रूटिंग के टाइम पे पौधे को भोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है तो इसलिए हम उसमें ज़्यादा मात्रा में ये खाद डालेंगे। हमारा वो 24 इंच का ग्रो बैग भी है तो आप भी मित्रों इस्तेमाल करिए, चीज़ों को बनाइए। टेरिस गार्डनिंग का शौक़ आप भी लेकर के आइए अपने घर में, छत पे, बालकनी में, जहाँ आपको जगह मिलती है थोड़ी सी जगह आप भी पौधों को लेकर के आइए और तैयारी करिए टेरिस गार्डनिंग करने की। ये देखिए ये हमारा एक और फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हैं, इस पर फ्लावर भी आ रहे हैं। ये देखिए ये हमारा मोगरा का प्लांट है और गर्मियों के दिनों में मोगरा खिलता भी है। तो देखिए हर तरफ मोगरा आ भी रहे हैं, हमने 2 गमले में लगा रखा मोगरा। एक हमारा ये बड़ा गमला है 18 इंच का और ये है हमारा 10 इंच का गमला जिसमें हमने लगा रखा है। 2 मोगरा प्लांट है हमारे पास और इस ये भी इस समय इसका फ्लावरिंग का सीज़न है तो इसको भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत, खाद की ज़रूरत ज़्यादा होगी तो इसलिए हम इसमें भी डाल रहे हैं। गर्मियों में ऐसे खाद नहीं डालते, अगर आप ऑर्गेनिक के बजाय वो डाई यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल कम करें, गर्मियों में तो हरगिज ना करें क्योंकि आपके पौधे जल सकते हैं। तो आप अगर आपको डालना है खाद तो आप ऐसे ही खाद जो अगर आपने कभी बनाया है घर पे तो उसको आप डालिए, थोड़ी मात्रा में डालिए। और ये तो हमारा गोबर की खाद है जो कि पूर्ण रूप से मतलब डीकम्पोज्ड है, इसको आप कहेंगे तो अच्छी तरीके से 2 साल ऐसे गोबर की खाद हमारी सड़ी और उसके बाद हमने पानी में भी डाल के इसका पूर्ण रूप से इसको डीकम्पोज किया, उसका लिक्विड हमने इस्तेमाल किया, अब ये बची हुई खाद भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए हमने कुड़ाई कर ली, थोड़ी सी मिट्टी हमने निकाल ली और इसमें भी हम डालेंगे आपका जो हमारा बचा हुआ ये गोबर की खाद है उसको। और ये हमारा बड़ा गमला है तो इसमें हम एक पूरा एक मग्गा भर के लगभग 150 ग्राम के आसपास हम इसमें गोबर की खाद डालेंगे। आप हर तरफ से डाल लें और उसका डालने के बाद इसको आप खुरपी से मिला लें। देखिए ये हम मिला रहे हैं, मिलाने से ये होगा कि अच्छे तरीके से मिट्टी में ये मिल जाएगा, नीचे तक जाएगा। वैसे भी आप पानी देंगे तो इसका जो तत्व है वो नीचे तक जाएगा लेकिन फिर भी आप मिला लें ताकि ये नीचे तक मिल जाए पौधों की मिट्टी में। और मित्रों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचते रहे, हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बेल आइकन पर भी प्रेस करिए और हमेशा जब आप गुड़ाई करें तो ये ध्यान दें कि पौधों की जो मेन जड़ है वो ना कटे या चोटिल हो। तो आप जब भी गुड़ाई करें साइड से करें, साइड में करें काफ़ी ज़्यादा, बीच में अगर आप करेंगे तो मेन जड़ कट सकती है। छोटी जो जड़ें होती हैं, जो साइड ब्रांचेस होती हैं जड़ों की, वो अगर कटती हुई हैं तो उनसे कोई दिक्कत नहीं है, मेन जड़ नहीं कटनी चाहिए। और ये देखिए हमने इसमें डाल दिया है, उसको डालने के बाद मिट्टी को फैला दिया है, थोड़ी सी मिट्टी का छिड़काव उसमें ऊपर से और कर देंगे क्योंकि जो हमने मिट्टी निकाली है ज़्यादा निकाली है तो ये पानी डालने के बाद ये बैठेगा भी मिट्टी, तो थोड़ी सी मिट्टी हम इसमें और डाल देंगे और हर तरफ से बराबर फैला दीजिए। देखिए ये हमारा ये भी गमला तैयार हो गया।
इस तरह मित्रों आप अपने पौधों की फ्लावरिंग जो आपके प्लांट हैं उनकी आप गर्मियों में इस तरह से देखभाल कर सकते हैं। और गर्मियों में कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल न करें, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ये अप्रैल का महीना है और इसी में तापमान 43 से 44 के आसपास पहुँच चुका है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं और हीट वेव चल रही है, तो आपके पौधों को नुकसान ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखें। वैसे हमेशा फर्टिलाइज़र फ्लावरिंग प्लांट में बरसात में ही डालने चाहिए, जाड़े के जब जाड़ा एंड हो रहा हो तब डालना चाहिए, लेकिन ये हमारा फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें हमने अभी डाला है और इसमें फ्लावरिंग के समय पे फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने डाला, लेकिन ये टोटली डिकम्पोज्ड था और हमने इसको एक बार पहले इस्तेमाल कर लिया था लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में, इसलिए डाला। तो आप भी अपने फ्लावरिंग प्लांट में इस तरीके से जैसे हमने डाला है वैसे खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा कम रखिएगा, अगर आपका गमला 10 इंच का या 12 इंच का है तो मात्रा काफ़ी कम रखिएगा, मुश्किल से 50 ग्राम या उससे भी कम, 40 ग्राम 30 ग्राम के आसपास। अगर बड़ा गमला है तो आप 100 ग्राम 150 ग्राम डाल सकते हैं। तो मित्रों हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।